रिच रिडक्शन ऑफ एरीन। इस रिएक्शन में बेंजीन को जब हम लिथियम या सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में और साथ में इथेनॉल लिया जाए और रिएक्ट करे, तो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर, ध्यान से देखना, फर्स्ट और यहां पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, यहां सभी कार्बन पे हाइड्रोजन है, फर्स्ट कार्बन पर और फोर्थ कार्बन पर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। दिस इज बिट्स रिडक्शन। इसकी अगर मैकेनिज्म को देखें तो इसमें हम सोडियम लेते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो स्टेबल हो जाएगा, हमें पता है। इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, हमारे पास यहाँ पे अमोनिया प्रेजेंट है, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में। ये अमोनिया के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है लिक्विड फॉर्म की अमोनिया के अंदर, तो ये N ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और ये जो छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये अमोनिया के मॉलिक्यूल के बीच में रहेगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। और इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन की एक केमिस्ट्री है, क्या पॉसिबिलिटी है अगर हम इसको लंबे समय तक छोड़ दें तो ये क्या क्या होगा, इस अमोनिया के अंदर क्या एक एक्टिविटी होगी। अमोनिया इलेक्ट्रॉन के साथ प्रेजेंट है, ये अमोनिया और इलेक्ट्रॉन क्या है, अमोनिया का रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन कैसे होगा, मैं इसको अलग से एक रिएक्शन लिख के बताता हूं। अमोनिया जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है और यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अमोन नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा NH2 नेगेटिव और ये बन गया H पॉजिटिव। इस H पॉजिटिव ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये हाइड्रोजन का एटम बन गया, और हाइड्रोजन के ऐसे एटम आपस में जुड़कर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देंगे, तो इस तरह से हमारे पास NH2 नेगेटिव बन गया। और ये NH2 नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ मिलके NaNH2 बना देगा, ये सोडामाइड बनाने का मेथड है। बट ये जो रिएक्शन है ये स्लो रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन इस अमोनिया स्पीशीज का रिडक्शन करने के बाद आए, ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन ले लेगी और बेंजीन का रिडक्शन हो जाएगा, अमोनिया का रिडक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, बेंजीन रिंग को कैसे इलेक्ट्रॉन देगा, देखें ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो सॉल्वेटेड है उसको इस तरह से लिखा, इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसे मिला अमोनिया को। अब ये अमोनिया अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पे इस कार्बन को देखा, देखो मैंने हाफ हेडेड एरो बनाया, हाफ हेडेड एरो बनाया मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां आया और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास स्पीशीज बन जाएगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए और ये पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए। यहां पे एक ऑलरेडी हाइड्रोजन है, जब दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया इसलिए नेगेटिव, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया लेकिन यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया इसलिए ये रेडिकल बन गया, रेडिकल पर कोई चार्ज नहीं होगा, यहां पे दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसलिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन कहां से मिला था हमें, सोडियम से, तो ये काउंटर आयन जो सोडियम है Na पॉजिटिव के फॉर्म में यहां लिख दिया जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास एक स्पीशीज बन जाएगी, इसका नाम लिखे, दिस इज साइक्लो साइक्लिक हेक्सा, 6 कार्बन है, डाई इनाइल इसके साथ लिखा जाएगा रेडिकल, बिकॉज दिस इज रेडिकल एज वेल एज एनायन, और साथ में लिखते हैं 1,4 क्योंकि 1 और 4 पोजीशन पर है, तो साइक्लोहेक्सा डाइनाइल रेडिकल एनायन 1,4 बन जाएगा। यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो रेडिकल एनायन है 1,4 के अलावा
1 2 भी हो सकता है। देखो यहां पे अगर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आने के बजाय यहां पे भी आ सकता है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 1 2 बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेट्स सी व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं इसको अलग से बना के बताता हूं। ये बेंजीन है, अगर हम ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन था Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन NH3N, ये कौन सा है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ये इलेक्ट्रॉन अगर हम इस कार्बन पे लगा दे, हाफ हाइड्रेड एरो दिखाया मैंने, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास स्पीशीज क्या बन जाएगी, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे, हाइड्रोजन ऑलरेडी है, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से मिला इसको यहां दिखा देंगे, ये काउंटर आयन के फॉर्म में सोडियम लिख दिया जाएगा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के काफी नजदीक है, यहां पे रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन की वजह से इस साइक्लोहेक्साडाइनाइल रेडिकल एनायन के 1 2, दिस इज 1 4, दिस इज 1 2 के बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो हमारे पास ये बनेगा और ये नहीं बनेगा। इसको अगर हम ध्यान से देखें, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूं, ये बना हुआ रेडिकल एनायन, रेडिकल एनायन को हम इस तरह से दिखाते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज काउंटर आयन के फॉर्म में सोडियम दिखा देते हैं। ये रिएक्ट करेगा किससे, रिएक्शन के अंदर हमने सॉल्वेंट भी लिया था, इथेनॉल लिया था, इथेनॉल के अंदर OC2H5, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव आयन, ये जो इथेनॉल है ये अपना प्रोटोन देगा इस मीडियम के अंदर, ये नेगेटिव आयन इस पे रिएक्ट करेगा और ये इथोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो C2H5O नेगेटिव और Na पॉजिटिव सॉल्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव इसके ऊपर लग जाएगा, तो एक पोजीशन पर हाइड्रोजन लग गया, दूसरी पोजीशन पर ये रेडिकल के फॉर्म में, ये रेडिकल के फॉर्म में है, फिर से सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रॉन फिर से प्रोवाइड करेगा किसे, इस पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, तो ये फिर से नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर ऑलरेडी हमने हाइड्रोजन लगा दिया, इसकी फिर से इथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे काउंटर आयन के फॉर्म में। देखो जब ये यहां लगेगा तो काउंटर आयन इसके साथ Na पॉजिटिव लिखा ही जाएगा, ये काउंटर आयन यहां आ जाएगा क्योंकि पहले ये नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन जब यहां मिल गया तो ये नेगेटिव चार्ज हट गया, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया तो काउंटर आयन यहां पे आ जाएगा, ये यहां अटैक होगा और ये इधर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव सॉल्ट के फॉर्म में और ये हाइड्रोजन यहां पे लग जाएगा। इस तरीके से हम देखें तो बेंजीन की 1 और 4 पोजीशन पर हाइड्रोजन लग जाएगी, दिस इज वेरियस रिडक्शन। इसकी एक केमिस्ट्री है जिसको बोलते हैं रेजियो केमिस्ट्री या रेजियो सिलेक्टिविटी बोले। हमने बेंजीन लिया, अगर इसकी जगह सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ले लें और सब्स्टिट्यूशन के अंदर दो एक्सट्रीम कंडीशंस लेके चलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो रिडक्शन कहां पर होगा, लेट्स सी। ओके, लेट्स स्टडी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, वी ऑल्सो कॉल दिस रेजियो केमिस्ट्री। हम इसको दो कैटेगरी में सेपरेटली पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ ग्रुप विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इफेक्ट ऑफ ग्रुप विच आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, हम इसमें एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, अगर बेंजीन के ऊपर हम एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा दें, हमें पता है मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम लिक्विड अमोनिया
और इथेनॉल के साथ करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन लगेगा, रिडक्शन जो होगा वो वन नहीं, ऑर्थो और मेटा पोजिशन पर हाइड्रोजन लगेगी। ठीक है, लेट्स सी हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस। पैरा पर नहीं लगेगी, उसका भी हम रीजन देंगे सेपरेटली। इस रिएक्शन में मिथॉक्सी बेंजीन लेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन पर ये सॉल्यूशन, सोडियम और अमोनिया आपस में रिएक्शन करके ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर मेटा पोजीशन पर डोनेट होगा, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे और ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इससे हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो मैंने टर्म यूज की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसका मैं मतलब अभी समझाता हूं कि मैंने ये क्यों बोला। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, हाइड्रोजन ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आने के बजाय इस कार्बन पे चला जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे और ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरी भी पॉसिबिलिटी है, हम इसे इस तरह से शो करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शो शिफ्ट हो जाएंगे, ये ऑलरेडी अपनी जगह पर है, मिथॉक्सी ग्रुप एज इट इज है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी लगा है और यहाँ पे भी लगा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसे हम एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिखा दें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। देखो जहां पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा काउंटर आयन के फॉर्म में सोडियम उसके साथ लिखा जाएगा, क्योंकि पहले नेगेटिव ये था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो अब अमोनिया न्यूट्रल हो गई, तो पॉजिटिव आयन यहां से मूव होके या तो इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा, तो ये दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने सॉल्यूशन के अंदर इथेनॉल भी ले रखा है, इथेनॉल क्या करेगा, प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा। देखो हम अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5O-, और ये Na इसके साथ आ जाएगा, सोडियम सॉल्ट बन गया। जब ये इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये H इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। देखो ये प्रोडक्ट बन गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज, ये एज इट इज, ये हाइड्रोजन और इस कार्बन पे ये वाला हाइड्रोजन लग जाएगा, और इधर ऑलरेडी हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रॉन है या मिथॉक्सी ग्रुप, तो ऑर्थो पोजीशन पर इसको हम सर्कल करके इसको मेंशन कर देते हैं, ये ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन लग गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे देखें तो फिर से ये सॉल्यूशन हमारे पास है जो ब्लू कलर का, उसमें सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाएगा, यहाँ पे मूव करेगा तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, मिथॉक्सी ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएगा, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बनते ही इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसका नेगेटिव खत्म, तो ये Na पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा। फिर से हम इथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल यूज करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज इस पे OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे C2H5O- बन जाएगा, और ये Na सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये हाइड्रोजन लग गया इस पोजीशन पर। देखो ऑर्थो पोजीशन पर हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन लगा दिया, अब ये मेटा पे लग गया, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर इस तरह से हाइड्रोजन लग जाते हैं। पैरा पर हाइड्रोजन नहीं लगता, लेट्स सी क्यों नहीं लगता। देखो अगर हम पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करें
इस ब्लू सॉल्यूशन से हमने इलेक्ट्रॉन अगर पैरा पोजीशन पर दिया तो उसे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा करने से हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी जिसमें मिथॉक्सी ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है वहां पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहां पर एक रेडिकल बन जाएगा। मिथॉक्सी ग्रुप का क्या रोल है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है जिस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई दिस इज अनस्टेबल। इसलिए जो ये ब्लू सॉल्यूशन है ये पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा क्योंकि उससे अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए पैरा पोजीशन पर रिडक्शन नहीं होगा। सेकंड केस है हमारे पास, अगर बेंजीन पर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देते हैं और इसकी रिएक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया और इथेनॉल के साथ अगर करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पर यहां पर और यहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा। इसको बोलते हैं हम इप्सो पोजीशन। देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगा, इसको बोलते हैं हम इप्सो पोजीशन और ये क्या है, ये पैरा पोजीशन। तो दो हाइड्रोजन लगेंगे, एक इप्सो पर और एक पैरा पर। इसके अगर मैकेनिज्म को समझे तो मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड जो है मीडियम में मेटल प्रेजेंट है तो इस मेटल के साथ रिएक्शन करके ये सोडियम बेंजोएट बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस तरह से बना हुआ सोडियम बेंजोएट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सोडियम बेंजोएट को हम इस तरह से मेंशन करते हैं, सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे भी आ सकता है और इस कार्बन पे भी आ सकता है। दीज आर मोर स्टेबल कंडीशंस, मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे आ गया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इधर और ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे। ऐसा करने से हमारे पास ये बन जाएगा देखो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा, हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे जिस कार्बन पे ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगा है उस कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन पर जाओगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज का देखो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आ गया तब इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया तो ये काउंटर आयन कहां लिखा जाएगा, इस नेगेटिव के साथ ये काउंटर आयन लिख दिया जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे हम, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए इसको यहां दिखा दो, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, यहां ऑलरेडी हाइड्रोजन है, यहां पे ये वाले दो पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन पर आ गए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज, ये इलेक्ट्रॉन यहां से मिला तो इसका काउंटर आयन
हमारे पास ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से ये दो रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्टेबल कर रहा है। कैसे स्टेबल कर रहा है देखें, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो सकते हैं इस कार्बन कार्बन के बीच में, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड शिफ्ट के इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। तो हमारे पास ये जो चार्ज, इस कार्बन पे जो चार्ज था वो स्प्रेड होके चला गया ऑक्सीजन के ऊपर। काउंटर आयन सोडियम यहां से लिखा जाएगा Na पॉजिटिव यहां पे। तो इस तरह से ये चार्ज डीलोकलाइज होके पहुंच गया यहाँ पे। चार्ज का अगर डीलोकलाइजेशन होता है तो स्टेबिलिटी होता है, दैट्स हाउ दिस स्ट्रक्चर बिकम स्टेबल। इसी तरीके से अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पर भी ये कार्बोक्सिलेट आयन इसे स्टेबल कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीजन के पास जाएगा। कैसे, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का होमोलिटिक अगर क्लीवेज हो जाए तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया और ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके पाई बॉन्ड बना देंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन एज इट इज नेगेटिव चार्ज एन ए पॉजिटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन ये पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से मिला और एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके पाई बॉन्ड बना देंगे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीजन की तरफ चला गया, चार इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो रहा है, इट मीन स्टेबिलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो इथेनॉल है हमारे पास रिएक्शन में जो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। किस तरह से, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होके इस कार्बन पे आ जाएंगे और ये कार्बन से इस हाइड्रोजन पे आ जाएंगे और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, C2H5O-, और ये काउंटर आयन सोडियम यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये सोडियम इथोक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस इप्सो पोजीशन पे, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये पाई बॉन्ड, देखो ये कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए, हाइड्रोजन को। तो इप्सो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, फिर से हमारे पास जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन वाला, वो इलेक्ट्रॉन अब प्रोवाइड करेगा इस कार्बन को। जब वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो उसका जो चार्ज है, इस नेगेटिव आयन का चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये काउंटर आयन जो इसके पास था वो काउंटर आयन सोडियम यहां लिख दिया जाएगा। इस तरह से ये नेगेटिव बन गया, सॉरी यहां पे एक हाइड्रोजन लिखना है जो ऑलरेडी यहां पे था। नेक्स्ट स्टेप में फिर से इथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे इस हाइड्रोजन को और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ये बन गया C2H5O-, और ये काउंटर आयन सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन लग गया इस कार्बन के ऊपर। तो इस तरह से अगर हम इसे देखें तो वन और फोर पोजीशन पर हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो गया, ठीक है, इप्सो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो शुरू में हमने बोला कि जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो एनी पोजीशन पर होगा क्योंकि इससे स्टेबलाइजेशन होता है। कैसे, यहाँ पे हम इस अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, चार्ज उस कार्बन पर है जहां पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगा हुआ है। दैट्स हाउ दिस इज ऑल अबाउट ब्रिज रिडक्शन। हम इसे फर्दर अगर कन्वर्ट करना चाहें तो एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके किसी सॉल्ट के साथ, और सॉरी एसिड के साथ रिएक्शन कर दो, एसिड के साथ रिएक्शन करने से ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा और यहां पे सोडियम क्लोराइड एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। दैट्स ऑल।